नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश आज ध्यान के सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने संबोधन में देश के सभी नागरिकों से एक आग्रह किया कि 5 अप्रैल को रात के 9 बजे सभी लोग अपनी बालकनी में अपने घर के दरवाजों के बाहर आए और दिए जलाकर, मोमबत्ती जलाकर या टॉर्च जलाकर प्रकाश फैलाएं। तो ये बहुत ही सुंदर मोदी जी का ये प्रयास है और इसका बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट आएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मोमबत्ती टॉर्च जलाकर, दिए जलाकर कोरोना का हम क्या बिगाड़ सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि इसका साइंटिफिक आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और कोरोना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब हम कोई भी प्रकाश प्रज्वलित करते हैं, दिए के रूप में, मोमबत्ती के रूप में, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, आपके जीवन पर पड़ता है। इसी कारण से हमारे संस्कृति में प्रतिदिन यज्ञ करने का आह्वान किया है। ऋषियों ने यज्ञ का प्रतिदिन बताया है कि यज्ञ नहीं कर सकते तो दिया जलाएं। ठीक वैसा ही प्रभाव जब आप सभी लोग एकजुट होकर प्रकाश फैलाएंगे तो इससे होगा क्या, इससे आपके मन के भीतर जो कोरोना का भय, जो अंधकार रूपी जो भय आपके भीतर बैठ चुका है, उस अंधकार रूपी भय को जब आप प्रकाश फैलाते हैं, प्रकाश प्रज्वलित करते हैं, तो वो अंधकार मिटने लगता है। क्योंकि अंधकार की सत्ता प्रकाश के आते ही नष्ट हो जाती है, अंधकार का अस्तित्व नहीं रहता। तो आपके भीतर का जो प्रकाश है, बाहर प्रकाशित करने से, बाहर दिया जलाने से वो भीतर का प्रकाश प्रकाशित होता है, आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है, जिस शक्ति के समक्ष संसार की कोई शक्ति नहीं। तो ये तो इसका एक प्रभाव हुआ। दूसरा, जब एकजुट होकर देश के 130 करोड़ लोग जब एक साथ मिलकर रात के 9 बजे एकजुटता, एकता के भाव के साथ जब दिया, मोमबत्ती जलाएंगे तो उनके भीतर यूनिटी का भाव जागृत होगा। जो अकेलापन आज सब घर में लॉकडाउन के समय आप महसूस कर रहे हैं, वो अकेलापन दूर होगा। आपके मन में एकता का भाव जागेगा। उस गरीब से गरीब नागरिक के प्रति भी आपका भाव उसे प्रभावित करेगा और उस गरीब के अंदर जो भाव है, कहीं वह डरा हुआ है, निराशा में है अपने भविष्य को लेकर, उसके भीतर एक आशा जागेगी। तो मैं मोदी जी के इस प्रयास का समर्थन करता हूं और आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि इस आग्रह को स्वीकार करें और 5 अप्रैल को आप अपने बालकनी में, घर के दरवाजे पर एकजुट होकर दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, टॉर्च जलाएं। क्योंकि जब 130 करोड़ लोग एक साथ होकर एक स्वर में एक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो कोरोना ही क्या, बड़े से बड़ी चुनौती डर के भाग जाती है। यह बहुत बड़ी संख्या है। तो हमें 5 अप्रैल को अपने इस शक्ति को दिखाना है और भीतर के प्रकाश को जागृत करना है, बाहर प्रकाश चल करके।
भीतर के प्रकाश के लिए हम हर रोज महायोग ध्यान का अभ्यास करते हैं। योग ध्यान ऋषियों का बताया हुआ एक ऐसा मार्ग है जो आपके आत्मा के प्रकाश को शक्ति प्रदान करता है। और जैसा कि बताया कि आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं, बड़े से बड़ी चुनौती को भी आप सहज से निपट सकते हैं यदि आपके भीतर आत्मबल है। तो आओ महायोग ध्यान के द्वारा अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाएं। तो 5 अप्रैल को आप सभी ठीक 9 बजे प्रकाश को फैलाएंगे और अपने भीतर के भी प्रकाश को जागृत करते रहेंगे। यूं ही हर रोज 12 बजे मेरे साथ लाइव फेसबुक के माध्यम से। और किसी का कोई भी सवाल हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिखें और इस अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इन वीडियो को शेयर करें, यह आपका एक योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।